बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एट योर होम्स। टुडे वी हैव टू कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर नंबर 5 एंड वी हैव टू स्टडी टुडे द कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स दैट व्हाट वी हैव स्टडीड। Previously we have studied about computer architecture, John von Neumann theory, CPU, its parts, ALU, CU, RAM, ROM, dynamic RAM and static RAM, same as ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Now the next important architecture unit is input output unit. So let's start our today's lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Input output unit. Now as the name shows, input output unit. बेटा ये वो unit है computer का जो computer की input और output से related है. Now keep in mind कौन सी devices हैं जो इनपुट और आउटपुट से रिलेट, मोस्टली पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होती हैं। ये वो यूनिट है कंप्यूटर का जो उन तमाम डिवाइसेस को डील करता है, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं फिजिकली, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कंप्यूटर के बैक पे, कंप्यूटर सिस्टम के बैक पे अगर आप कभी गौर करें तो वो जगह जहां पर हमारे तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस की जो केबल्स जिन पोर्ट्स के अंदर लग रही होती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जहां पर यूएसबी पोर्ट्स भी आपको नजर आएंगी, पैरेलल पोर्ट भी नजर आएगी, सीरियल पोर्ट्स भी आपको नजर आएंगी और मॉनिटर की पोर्ट भी आपको नजर आएगी, ठीक है ना, ऑडियो जैक्स भी आपको नजर आएंगे। तो वो जो पोर्ट्स हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर इनपुट आउटपुट यूनिट से। यानी इनपुट आउटपुट यूनिट बेसिकली इन तमाम डिवाइसेस को डील कर रहा होता है। जो भी डाटा इनपुट डिवाइसेस से आ रहा होता है वो इनपुट आउटपुट यूनिट में आएगा और जो भी डाटा जा रहा होता है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ वो भी पहले सीपीयू से इनपुट आउटपुट यूनिट के पास आएगा और उसके बाद वो आगे जाएगा। तो the question raises that why it is so, why the all the devices are not directly connected to CPU. So there are some problems. To sabse pehle hum iski thodi si responsibilities padhte hain to un problems ko bhi discuss kar lenge. To kya responsibilities hoti hain input output unit ki? Pehli hai ki monitors the state of different devices attached to it. यानी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनपुट आउटपुट यूनिट की है वो ये है कि वो मॉनिटर करता है जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगी हुई हैं उनकी स्टेट को मॉनिटर करता है, आया वो वर्किंग में है, एक्टिव है या आइडल है, आइडल स्टेट में है। क्योंकि अगर एक्टिव है तो उनका डाटा उसने पास ऑन करना है, चाहे वो सीपीयू से आ रहा है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आ रहा है, सीपीयू की तरफ जा रहा है, तो उसने पास ऑन करना है। अगर आइडल स्टेट में है तो उनको उसने वेटिंग में, यानी आइडल स्टेट में फिर उसने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। सेकेंडली मैनेजेस द स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। नाउ हियर आई हैव टू टेल यू के देखें प्रोसेसर जो है वो जिस तरह से डिजाइन किया जाता है, प्रोसेसर की स्पीड तमाम डिवाइसेस से बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ठीक है उसके साथ कॉप कर पाती हैं डाटा, वो भी फास्ट हो सकती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होती हैं जो इतनी फास्ट नहीं होती। तो डाटा जब पास ऑन होता है किसी स्लो डिवाइस से या एक्स्ट्रा फास्ट डिवाइस से तो सीपीयू के साथ जो डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है उसकी स्पीड में एक डिफरेंस आ रहा होता है,
सपोज कोई डिवाइस अगर डाटा पास ऑन कर रही है सीपीयू की तरफ, अगर डायरेक्टली सीपीयू के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो वो तो स्लो है, सीपीयू तो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर सकता है उसको, लेकिन उसका डाटा बड़ा स्लोली आ रहा है, फिर वो दूसरा मज़ीद डाटा स्लोली स्लोली भेज रही है, जिससे ये होता है कि सीपीयू को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, ठीक है, यानी स्पीड का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह ओवर स्पीडिंग डिवाइसेस हो गई तो वो बहुत तेज़ी से डाटा सेंड कर रही हैं जबकि सीपीयू जो है बहुत स्लोली उसको प्रोसेस कर रहा है, इसमें भी ऐसी सूरत हाल में भी स्पीड डिफरेंस आ जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए चाहे वो स्लो डिवाइस है, चाहे फास्ट डिवाइस है, चाहे जैसी भी डिवाइस है, वो जो भी अपना डाटा भेजेगी वो आएगा किसके पास, इनपुट आउटपुट यूनिट के पास आएगा, एंड देन इनपुट आउटपुट यूनिट उसको अपने लिहाज से मैनेज करके एक कांस्टेंट स्पीड में वो डाटा सीपीयू की तरफ भेजेगा, ठीक है। तो एक तो अब दो चीज़ें आ गई, एक तो ये कि वो मॉनिटर करेगा तमाम डिवाइसेस की स्टेट को, और दूसरा जो स्पीड डिफरेंस है सीपीयू के और दूसरे डिवाइसेस के दरमियान में उसको कैटर करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन डिवाइसेस को डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं किया जाता, एक अलहदा से यूनिट बना दिया गया है जिसको हम इनपुट आउटपुट यूनिट कहते हैं, और वो यूनिट इन तमाम डाटा को टू एंड फ्रो लेना और देना इसकी मैनेज करता है, ठीक है, ओके। अब डाटा ट्रांसफर हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि डाटा ट्रांसफर डिवाइसेस से सीपीयू की तरफ होता है, इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू की तरफ होता है, एंड सेम सीपीयू से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है, दरमियान में इनपुट आउटपुट यूनिट है, उसके पास डाटा आएगा वहीं से जाएगा, उसी के पास वहां से डाटा आएगा तो सीपीयू के पास वहीं से जाएगा, ठीक है। अब इस डाटा ट्रांसफर की भी दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आज हम उन दोनों टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। जो पहली डाटा ट्रांसफर टेक्निक है दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। अब एज द नेम शोज इंटरप्ट, आपने सुना होगा ये वर्ड, कहते ना कि मुझे इंटरप्ट ना करो, डोंट इंटरप्ट मी, आई एम वर्किंग। इंटरप्ट मरना, इंटरप्ट करना मतलब ये कि किसी चीज से रोक देना, किसी चीज से किसी काम में खलल डाल देना, ठीक है ना। तो इंटरप्ट एक ऐसे ही सिग्नल का नाम है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो सबसे पहले सीपीयू जनरेट करता है इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ। एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर में हो क्या रहा होता है पहले ये समझे। कंप्यूटर में बेसिकली जो सीपीयू होता है ना वो रैम में सारा का सारा डाटा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सीपीयू डायरेक्टली कहाँ से डाटा उठाता है, रैम से उठाता है, ठीक है, या इनपुट आउटपुट यूनिट से उसको डाटा आ रहा होता है। तो मोस्टली वो जितना भी डाटा उठाता है वो रैम से ही उठाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से वो डाटा नहीं उठाता। तो अब वो जितना भी डिफरेंट एप्लीकेशंस इस रैम में होती हैं वो पैरेलल में सबको प्रोसेस कर रहा होता है, सबसे डाटा उठा रहा होता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सीपीयू की। अब इंटरप्ट में क्या होता है कि सीपीयू एक सिग्नल सेंड कर देता है किसकी तरफ, इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ। वो सिग्नल क्या होता है कि अगर कोई डिवाइस डाटा भेजना चाहे तो वो सीपीयू को वही सिग्नल बैक करेगी, और सीपीयू अपने जो प्रोसेसिंग रैम से कर रहा है, जो डाटा लेकर वो कर रहा है, उसमें वो सीपीयू इंटरप्ट होकर अपनी बाकी जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको रोक देगा, जो रैम के थ्रू वो कर रहा है उसको वो रोक देगा, और सिर्फ फोकस कर लेगा इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ। यानी एक सिग्नल सीपीयू ने सेंड किया, उसके बाद वो लग गया रैम के साथ, अपना जो भी एक्सचेंज कर रहा है डाटा उसमें लग गया। इन बिटवीन कोई इनपुट डिवाइस है वो डाटा भेजना चाह रही है, उसका डाटा आया इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ, इनपुट आउटपुट यूनिट फौरन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा सीपीयू को, और सीपीयू इंटरप्ट हो जाएगा, यानी जो प्रोसेसिंग वो कर रहा है उसमें वो इंटरप्ट हो जाएगा। अब जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो अपना तमाम प्रोसेसिंग जो वो रैम के साथ कर रहा है उसको वो हॉल्ट कर देगा, रोक देगा, पॉज कर देगा वहीं पे, और सिर्फ इनपुट आउटपुट यूनिट से डाटा लेकर उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो उस प्रोसेसिंग से फ्री होगा फिर दोबारा अपने काम में लग जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन फिर किसी डिवाइस ने डाटा सेंड करना है, फिर एक इंटरप्ट सिग्नल आ जाएगा, फिर सीपीयू रुक जाएगा, सारी प्रोसेसिंग रोक देगा, सिर्फ इनपुट
डिवाइसेस की जो डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा और फिर जब तक वो डेटा आ रहा है वो उसी तरफ मसरूफ रहेगा, बाकी प्रोसेसिंग रोक देगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर स्कीम। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या, सबसे पहले एडवांटेज की तरफ आते हैं। पहली चीज ये कि नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यानी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सीपीयू में कोई स्पेशल हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम नया हार्डवेयर, कोई स्पेशल हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी ना, तो कॉस्ट भी कम रहती है, कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता, कोई नई प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाली है वो तो रहेगी। उसके बाद है सिंपलर टू इंप्लीमेंट, बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंपल स्कीम है जो बना लेते हैं प्रोग्रामर्स, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इसमें वर्किंग करते हैं और वो बना लेते हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो ये तो थे एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये बड़ा बहुत बड़ा, ज़रा इसको समझिएगा, बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड, रिड्यूसेस ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है प्रोसेसिंग की, यानी एक टाइम में, एक सेकंड में मिलियंस बिलियंस कैलकुलेशंस एक सीपीयू कर सकता है। अब क्या ये सही होगा कि जो चीज़ मिलियंस बिलियंस कैलकुलेशन इन द निक ऑफ टाइम कर सकती है उसको आप सिर्फ चंद एक सिंपल सी कैलकुलेशंस में उलझा दें, यानी सिर्फ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है और बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, उनसे डाटा आ रहा है, वो बाकी सारी प्रोसेसिंग रोक दें रैम की तरफ से और सिर्फ उसको करने में लग जाए और बार बार इंटरप्ट होता रहे, फिर रोक देगा, फिर इसकी तरफ लग जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे कि मैं यूँ आपको बताऊं कि लोकोमोटिव इंजन है, अब एक लोकोमोटिव इंजन जो है वो कितनी कार्स को, रेलवे कार्स को वो खींच सकता है। अब आप उसके पीछे एक ही डब्बा लगा दें या कोई सिंपल सा हल्का फुल्का सा जो चार बंदे बिठा दें और उसको चलाएं, तो उस वो जो डीजल है वो तो उतना ही लेगा। तो इसका मतलब है हम उसको रॉन्गली यूटिलाइज कर रहे हैं, रॉन्गली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह सीपीयू के साथ भी ऐसे ही है कि बजाय इसके कि उसको एट द सेम टाइम वो रैम से भी डाटा ले रहा है उसी टाइम उनको भी प्रोसेस कर ले, वो बाकी सारे सस्पेंड कर देता है और सिर्फ इनपुट आउटपुट यूनिट से कम्युनिकेशन शुरू कर देता है, जो कि बहुत सिंपल सी सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इनपुट डिवाइसेस से आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसका ये नुकसान है कि सीपीयू बार बार इंटरप्ट होता रहता है और जितनी उसकी पावर है वो उससे कम काम करता रहता है, ठीक है ना, जो हमें उससे ज़्यादा काम लेना चाहिए। ओके, तो दिस इज इंटरप्ट। सेकंड इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब नाम से कुछ ना कुछ आपको अंदाजा तो हो रहा होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी मेमोरी को एक्सेस दे दी जाए, किसी डाटा को डायरेक्टली मेमोरी तक एक्सेस दे दी जाए। अब ये जो डाटा ट्रांसफर स्कीम है ये इसके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर भी ज़रूरत होता है, यानी नॉर्मली इस तरह नहीं हो सकता कि कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसके लिए स्पेशली एक डीएमए कंट्रोलर इंस्टॉल करना पड़ता है। थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, थोड़ी प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्स हो जाती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो इनपुट आउटपुट यूनिट को डायरेक्टली रैम तक एक्सेस दे देता है। अब इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में एक्चुअली सीपीयू जिस तरह पहले इंटरप्ट में वो एक सिग्नल दे देता है, ठीक है ना, और बाद में फिर वही सिग्नल उसको इंटरप्ट करता है, इसमें वो सिग्नल दे देता है लेकिन फिर वो रैम की तरफ फोकस हो जाता है। रैम में वो मल्टीपल प्रोग्राम्स एप्स जो उसके अंदर हैं वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम प्रोसेस कर रहा होता है
और वो उसी में मसरूफ हो जाता है। अब होता क्या है कि उसको इंटरप्ट नहीं किया जाता। इनपुट आउटपुट यूनिट के पास डाटा आता है, सपोज इनपुट डिवाइसेस की तरफ से कोई डाटा आ रहा है, स्कैनर की तरफ से आ रहा है। अब इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है, वो उस डीएमए कंट्रोलर के थ्रू क्या करता है, जो डाटा आ रहा होता है वो उस डाटा को बजाय सीपीयू को इंटरप्ट करने के वो क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू वो उसको भेज देगा रैम में। वो रैम में बाकायदा कैटेगराइज हो जाएगा, वहां पर डीएमए कंट्रोलर उसको कैटेगराइज कर देगा कि ये सेकेंडरी स्टोरेज का नहीं है डाटा, ये बाकायदा इनपुट आउटपुट यूनिट से ये डाटा है और इस लोकेशन पे पड़ा है। अब क्या होगा, अब चूंकि सीपीयू तो ऑलरेडी रैम से डाटा पिक कर रहा है, वो इस डाटा को भी वहीं से पिक कर लेगा। यानी अगर वो 100 ऑपरेशंस कर रहा है तो 4-5 ये ऑपरेशंस भी वो ले लेगा साथ ही, यानी हॉल्ट नहीं करेगा उन ऑपरेशंस को क्योंकि रैम से ले रहा है ना, ये डाटा भी वो रैम से ही उठा लेगा और प्रोसेस करके वापस भेज भी देगा, इधर इन रैम और थ्रू डायरेक्टली थ्रू इनपुट आउटपुट यूनिट। तो होगा क्या कि सीपीयू की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं होती, वो ऑलरेडी जो रैम से डाटा उठा रहा है इस डाटा को भी वो रैम से उठा लेता है पैरेलल में, ठीक है ना। पहले तो ये था कि रैम के डाटा को हॉल्ट कर देगा, पॉज कर देगा, तमाम प्रोसेसिंग सस्पेंड हो जाएगी और सिर्फ इनपुट आउटपुट यूनिट से वो डाटा लेकर इंटरप्ट हो गया है उसको प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा इधर फोकस करेगा। अब डीएमए में क्या होगा कि उसके फोकस डाइवर्ट नहीं होगा, वो फोकस वहीं पर करके बैठा है, वहीं पर उसको रैम में ही डाटा मिल गया इनपुट आउटपुट यूनिट का डाटा और वहीं से उसने पिक किया, प्रोसेस किया, भेज दिया आउटपुट डिवाइस की तरफ। अब इससे फायदा ये हुआ कि स्पीडिली बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो भी हॉल्ट नहीं हुए, वो भी चल रहे हैं और इन बिटवीन इसको भी सीपीयू पैरेलल में ही प्रोसेस करके वापस आउटपुट भेज देता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज नहीं होती। सो अब इसका एडवांटेज, इंक्रीजेस ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज की तरफ आए तो फिर यही है कि एक तो थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स है, ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसमें कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है लो लेवल की, क्योंकि डीएमए कंट्रोलर भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज, रिक्वायर्ड मोर या स्पेशल हार्डवेयर दैट इज़ कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर, तो एक अलहदा से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो मदरबोर्ड है उनमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ पर डीएमए लगाना है और फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डीएमए जो है ये कंप्रोमाइज नहीं होने देता आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस को। सो स्टूडेंट टुडे ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ, इसी तरह ये बसेस के थ्रू कनेक्टेड है, सीपीयू रैम से भी कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट यूनिट से भी कनेक्टेड है और इन बसेस के थ्रू ये डाटा आपस में इंटरचेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टडीड कंप्यूटर आर्किटेक्चर इनपुट आउटपुट यूनिट। लेट्स एक बर्ड आई व्यू लेते हैं आज के लेक्चर का कि हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट है जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारी तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स को मैनेज करता है, सीपीयू तक लेकर जाता है और सीपीयू से आने वाले डाटा को आउटपुट यूनिट की तरफ लेकर जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज अटैच टू इट, मॉनिटर करेगा तमाम डिवाइसेज को जो उसके साथ अटैच हैं। नंबर टू, मैनेजेस द स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जो स्पीड डिफरेंस आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करेगा, मैनेज करेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं इंटरप्ट्स एंड डीएमए। इंटरप्ट क्या है कि सीपीयू को इंटरप्ट कर दिया जाता है और वो बाकी प्रोसेसेस को हॉल्ट कर देता है, सस्पेंड कर देता है और सिर्फ इनपुट आउटपुट यूनिट को फोकस करना शुरू कर देता है, उसकी जो डेटा है उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जबकि डीएमए में क्या होता है कि वो फोकस उसका रैम के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसी तरफ रहता है, सिग्नल वो जारी कर देता है और फिर उसके बाद जो भी डाटा इनपुट डिवाइसेस से आ रहा होता है वो डीएमए कंट्रोलर से होता हुआ रैम में जाता है, रैम से फिर वो सीपीयू उसको पैरेलल में प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट की तरफ भेज देता है, ठीक है।
So I hope students you have understood my lectures. You are also included in WhatsApp groups. If you have any kind of question and queries, please ask. I will surely answer all your queries and questions in that WhatsApp group. Till then, Allah Hafiz.